बहराइच जिले के भोखारा गांव निवासी 4 माह की गर्भवती महिला को ब्लीडिंग की शिकायत पर जिला महिला अस्पताल में 3 दिन पूर्व भर्ती कराया गया। देर रात को इलाज को लेकर महिला के पति और जूनियर महिला डॉक्टर से विवाद हुआ तो डॉक्टर ने मरीज को वार्ड से ही बाहर कर दिया। फर्श पर पड़ी मरीज तड़पती रही। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की संवेदनहीनता काफी बढ़ गई। इस पर अंकुश के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते आए दिन मरीज और उनके तीमारदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 4 माह की गर्भवती अस्पताल के फर्श पर पड़ी दर्द से कराहती रही, लेकिन मरीज को वार्ड में भर्ती नहीं किया गया। इसकी शिकायत भी CMS और प्राचार्य से हुई, लेकिन रात 12 बजे तक मरीज फर्श पर पड़ी रही। इसकी जानकारी होने पर काफी संख्या में मीडियाकर्मी पहुंचे। इसके बाद रात 1 बजे मरीज को बेड मिला, भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। मीडिया आई तो हाल ही से किया बाहर। मरीज के पति ने अस्पताल में मौजूद मीडिया कर्मियों से मदद की मांग की। काफी संख्या में मीडिया कर्मी पहुंच गए, डॉक्टर और नाराज हो गई। उसके बाद हॉल से बाहर करते हुए मरीज को जीने के पास भेज दिया। प्राचार्य डॉक्टर संजय खत्री के हस्तक्षेप पर मरीज को बेड मिल सका। बहराइच से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। हम रेचन श्रीवास्तव। हमारे वाइफ थी एडमिट थी 2 दिन से, कल से हमारी एडमिट थी वाइफ हमारी, तो उनको बेड पे लेटाए थे। मैडम से हमने बात किया कि मैडम मैम भी हमारी वाइफ को नीचे क्यों लेटा दिए, तो कहने हमारी मैडम लेटा दिया, बदतमीजी हमसे किए, फिर बाहर घुमा लेटा के फिर बाहर फेंक देना। मैम ने आप उठा के लाए? जी हम उठा के लेके आए। वो कहें कि यहाँ पे हमारा नहीं काम, आपका रिश्ता पर्चा बना दे, कहीं भी जाइए, हमको कोई मतलब नहीं। इलाज पूरा भी नहीं हुआ। ब्लड आ रहा था 4 महीने के बच्चा था, उसका ब्लड आ रहा था। कहन के ऐसे ऐसे भेज दिया। डॉक्टर का नाम सुनने लेडी नहीं आई थी।